नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि सभी ने कल बोला था हमें कि कालाबाजारी हो रही है नोखा में, जगह जगह परचून की दुकानें, खाद्य पदार्थ में, उसके लिए मैं आपको सामने रेट लिस्ट लेकर आ रहा हूँ, या रेट लिस्ट है या नहीं है और क्या भाव है आज की तारीख है वो भी मैं आपके सामने पारदर्शी लगाऊंगा, लोगों के जनता का पारदर्शी रखूंगा किस भाव है। और अगर इससे ज़्यादा अगर आपको ले रहे कोई रेट तो उसको कालाबाजारी कह सकते, अगर वाजिब रेट में ले रहे तो उसको कालाबाजारी नहीं कह सकते। हालांकि हम जैसे ग्राहक हैं उनसे भी बात करें, उनका क्या कहना है, रेट वाजिब ले रहे हैं या अलग ले रहे हैं वो भी हम बात करेंगे। जैसे राज्य सरकार का जो आदेश है उसकी किस प्रकार हो रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीष मोदी। सर आपकी शॉप किस नाम से है? हजारीमल बाबूलाल। सर एक बात जानना चाहते हैं, जैसे कि आज के खाद्य पदार्थ की रेट लिस्ट की राज्य सरकार के आदेश है कि रेट लिस्ट होना चाहिए, क्या आपने सर रेट लिस्ट बना के रखी है, क्या है सर? हम तो रिटेल दुकानदार है, वैसे लिख के नहीं रखते हैं, हमारे पास है, हमारी जो वाजिब रेट है वही है। सर मेन जैसे जरूरी चीज़ होते हैं आटा चावल दाल, इनका क्या भाव है आज की तारीख में, दालों के, आटे के, चावल के? आटा 26 रुपये किलो है, दाल चने की दाल 60 रुपये किलो है, 65 रुपये किलो है, मूंग की दाल 100 रुपये किलो है, 110 रुपये किलो है, तेल 90 रुपये लीटर है, 100 रुपये लीटर है, चावल 30 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो है। जैसे लॉकडाउन से जो पहले रेट थे वही रेट है? वही रेट है अभी तक, कोई दालों में 1-2 रुपये बढ़े होंगे और ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, बाकी वही सेम ही रेट है, मतलब ऐसे विशेष डिफरेंस फर्क नहीं पड़ा है। जैसे कि इन्होंने कहा सेम ही रेट मारे, लेकिन हम कस्टमर से ग्राहकों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है, कहाँ से आए हो? नहीं नोखा से। सर आपको यहाँ कोई महंगे भाव या उचित दाम या वाजिब दाम लेते हैं या कालाबाजारी करते हैं, क्या है? एकदम सही दाम पे मिलते हैं। सही दाम पे मिलते हैं, पहले जैसे लॉकडाउन से पहले भाव थे वही मिल रहे हैं? हाँ वही मिल रहे हैं। ऐसे ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं? नहीं। जैसे कि उन्होंने कह रहे ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम भंवरलाल है। भंवरलाल जी, क्या आपके साथ यहाँ जो से नोखा में कालाबाजारी की बातें कह रहे हैं लोग? कुछ नहीं हो रही है हमारे यहाँ तो, मेरे को कुछ नहीं लगता, हमें तो जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छा माल मिलता है, दाम वाजिब लेते हैं। लॉकडाउन से जो पहले रेट थे वही रेट है? वही रेट है, कोई वैसी नहीं है। जैसे कि लोग कह रहे हैं लॉकडाउन से जो पहले लोग किसको पकड़ सकते हैं, कहेंगे, कहने वाले तो कहेंगे। सर आपने अभी सामान परचेज किया है तो मुझे एक बार बताइए आपने दाल क्या भाव में की? दाल सर 90 रुपए किलो है, पर्ची है सर मेरे पास। पर्ची है, एक बार बता सकते हो? हाँ सर, दिया सर 40 रुपए किलो, मूंग दाल दी 120, लाइव साइबन 75 रुपये। अच्छा वाजिब रेट है सर, वाजिब रेट, यानी लॉकडाउन से जो पहले रेट थी वही रेट में मिल रही है। एक और बात बताता हूँ, लॉकडाउन से पहले रेट थी वही रेट में मिल रहा है, कुछ 1-2 रुपए का कह नहीं सकता क्योंकि हो सकता है, या आपको पता ही है हालांकि हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। अगर उससे ज़्यादा कोई ले रहा तो सूचना करें नज़दीकी प्रशासन को, और मैं निवेदन करूँगा जो भ्रम फैला रहे हैं, जो गलत सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नोखा में कालाबाजारी के नाम से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि मैं नोखा की एक दुकान नहीं, सभी दुकानों में जाकर पता कर रहा हूं क्या रेट में क्या नहीं, और सभी रेट लिस्ट के बारे में बात करूंगा सभी से। सर आपका शुभ नाम? योगेश। सर आपकी शॉप किस नाम से, दुकान? हजारीमल घनश्याम दास। सर आपने क्या रेट लिस्ट बना के रखी है अपने सामान रेट लिस्ट बनाने? कोई रेट लिस्ट लगा के रखी है आपने? नहीं नहीं। जैसे कि राज्य सरकार का आदेश भी है रेट लिस्ट लागू होने का, होलसेल की रेट चेंज होती रहती है। जो आपके पास सामान है उनकी क्या क्या रेट है विशेष तौर पर? जैसे गुड़, चीनी, तेल, घी सब सामग्री रखते हैं हम होलसेल में, चीनी 35.5 36 होलसेल में, और गुड़ है 34 रुपये, और तेल, तेल सरसों का है 1420 रुपये, 1450 रुपये 15 किलो, 1 लीटर में है 94.94 रुपये, और घी, घी 1 लीटर में 390 रुपये होलसेल। मतलब एक मान चलते हैं लॉकडाउन से जो पहले रेट थी वही रेट है या कुछ डिफरेंस आया? वो सेम ही रेट है, थोड़ा बहुत कोई 2-5 रुपये कोई भाड़ा का फर्क पड़ रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रेट। 2-3 रुपये की मानू एक ज्यादा तो नहीं डिफरेंस नहीं, बस वो थोड़ा बहुत भाड़ा की कोई दिक्कत आ रही है। अच्छा अब क्या बात कर रहे थे, 2-3 रुपये ऊंचे नीचे होने का कारण क्या रहा था? जैसे पहले गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, जिन गाड़ियों को पास नहीं मिला था तो वो क्या डबल भाड़े में गाड़ी आने लग गई, उससे 50 रुपये 1 रुपये किले का कोई फर्क पड़ गया किसी की। इन्होंने बात सही की, वो पारदर्शी तक जो पहले की रेट में ये बस ओनली फॉर भाड़े की वजह से 2-3 रुपये का जो डिफरेंस है वो आया, लेकिन लॉकडाउन से जैसे कह रहे हैं कालाबाजारी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, हालांकि लोगों का कहना है साइड में हो रहा है नोखा के साइडों में। अब मैं साइडों में दिखाऊंगा नोखा के जो मोहल्लों में जो दुकान है, अब गाड़ियाँ सही रेट में भी आ रही है, उन्होंने ये भी सूचना दिया, अब वापस भाव डाउन भी हो रहा है, थोड़ा बहुत जो पहले के रेट थे उस स्तर पर आ रहे हैं।
दोस्तों जैसे कि आपने सभी ने कहा कालाबाजारी हो रही है नोखा में, मैं देख रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ कहाँ मिलती है कालाबाजारी, सभी की रेटें में जो होती है आपको पारदर्शी ला रहा हूँ, व्यापार मंडल से भी बात की मैंने, आपसे भी बात करूँ और क्या रेट आज के भाव में जो खाद्य पदार्थ की घरेलू आइटम जो जरूरी होता है उनके बारे में। सर सर आपका शुभ नाम? बजरंग लाल। बजरंग लाल जी आपकी शॉप जो किस नाम से है? हनुमान प्रसाद बजरंग लाल। सर आज एक बात लोगों के मन में है कि कालाबाजारी हो रही है नोखा में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार हो रही है नहीं हो रही है, क्या पारदर्शिता रहती है उनके, क्या भ्रमित है वो या साइडों में हो रही है? नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं, ऐसी तो नहीं लग रही है, कालाबाजारी वाले तो कोई बात नहीं लगी अभी तक तो। कालाबाजारी हो रही है तो पता है कहाँ हो रही है, पता करते हैं, होगी तो ज़रूर प्रशासन से सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग लेंगे, उनके आगे बताएंगे भी ये दुकानदार कर रहा है, अभी तक तो ऐसी बात आ नहीं है। सारी अफवाह फैलाने वाले लोग हैं जो समाज कंटक है, अफवाह फैला रहे हैं, उनका तो क्या कर सकते हैं। इन्होंने जो बात सही कही है, ऐसे लोग हैं जो समाज के दिमक की तरह जो खोखला कर रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, अफवाह फैला रहे हैं, इन्होंने बात कही। सर एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि राज्य सरकार ने रेड लिस्ट का नाम लागू किया है, क्या आपने नोखा में कहीं पर भी परचून की दुकान पर रेड लिस्ट लागू नहीं है? लोगों का कहना है कि व्यापार मंडल जब निर्धारित करेगा तभी लगाएंगे। रेड लिस्ट वहाँ लागू हुई है जहाँ पर दुकानदारों को होम डिलीवरी के लिए बोला गया है, यहाँ पर ओपन मार्केट है, सुबह से लेकर दिन भर मार्केट खुला रहता है, किराने का सब चीज़ अपने जो खाद्य सामग्री जरूरत जो चीज़ें होती है ना सुबह 8 बजे से कंटिन्यू चालू रह रहा है, तो उनको होम डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ होम डिलीवरी है, देखो दूसरे शहरों में होम डिलीवरी की हुई है, जैसे जहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति है, जहाँ पर ये ज़्यादा सकता ही है, वहाँ पर होम डिलीवरी की जो सुविधा दी गई है, तो होम डिलीवरी के वक्त क्या होता है कि दुकानदारों को अपने मोबाइल नंबर देने होते हैं और उनको वो जो रेटें हैं वो उनको देनी होती है, बाकी यहाँ पर जो चल रहा है वो मार्केट के हिसाब से ही बिक रहा है। जैसे अगर यहाँ रेट लिस्ट होगी शायद तक कालाबाजारी थोड़ा लोगों को पता चल जाएगा पारदर्शिता यही रेट ये भाव मिलने वाली है, ये अगर जरूरत अगर एसडीएम साहब हमें देंगे आदेश तो उनका पालन करेंगे, जरूर करना पड़ेगा, हम प्रशासन के साथ है, हर तरह के साथ निभा रहे हैं। सर आज एक बार जैसे खाद्य पदार्थों के आज के जो घरेलू स्वरूप जरूरी आइटम है उनकी क्या रेट लिस्ट है, कौन कौन सामान सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं? उनकी रेट देखो मैं बताऊँ, ज़्यादा अभी जो ज़रूरत होती है लोगों को आटा दाल चावल ये ज़रूरत होती है, चावल चल रहा है 30 रुपये किलो, आटा चल रहा है 25-26 रुपये किलो, दाल चने की चल रही है 58-60 रुपये किलो, मूंग धोवा की दाल चल रही है 110 रुपये किलो, चीनी चल रही है 37 रुपये किलो, यही चल रहा है बस, यही आम आदमी को जरूरत 5-7 आइटमों की होती है, बाकी ज़रूरत सामान्य जो जनजीवन रहता है सामान्य स्थिति होती है उनको उस एक्स्ट्रा जरूरत रहती है, बाकी 7 आइटमों की जरूरत रहती है उस हिसाब से रेटें हो रही है। जैसे लॉकडाउन से पहले की रेट थी वही सेम रेट है या कुछ डिफरेंस आया? नहीं जो पीछे जो माल जैसे कुछ अपने मान लो ये जैसे फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर लोग चले गए, जैसे दालों की है और एक्स्ट्रा जैसे प्रोडक्शन आइटम जो बंद हो गया, जैसे मजदूर अपने अपने घरों में पलायन कर गए, तो वहाँ पर जो आइटम बचे ही नहीं है, हो सकता है उसमें 1-1.5% कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो पीछे से बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी के हिसाब से आगे बिकेगी ये चीज़। जैसे कुछ रेट मतलब किराया बढ़ा इसी वजह से 2-3 रुपए बढ़ा, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है? बढ़ा तो ऐसा होता है कि कोई भी गाड़ी वाला जाने के लिए तैयार नहीं है, तो हो सकता है उसको कुछ ज़्यादा दे के उसको भेजना पड़ता है, तो वो तो उसमें प्लस करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कालाबाजारी करते वक्त अगर आपको मालूम है कि दुकानदार कालाबाजारी कर रहा है तो उसका आप मोबाइल से वीडियो लो और एसडीएम साहब को भेजो कि ये देखो मेरे साथ कालाबाजारी हुई है, प्रिंट से ज़्यादा मेरे को रेट लुई, आज देश के ऊपर जो आपदा संकट आया हुआ है सारों को मिलके मदद करनी चाहिए, हम भी यहाँ बैठे तो अपनी जीत जान जोखिम में डाल के बैठे हैं कि भाई किसी को ज़रूरत हो तो उसको सामान टाइम से दे दिया जाए, हमें भी घर रहने में आता है भी, हम भी घर रहे, जो दूसरे बैठे रहते हैं हम भी घरों में रहना चाहते हैं, बाकी हम ये चाहते हैं कि सारे घरों में बैठे रहेंगे तो लोगों को सामान पूर्ति कैसे होगा, अगर कालाबाजारी दिखती है कहीं तो आप वीडियो बनाओ प्रशासन को, प्रशासन के साथ रह करके उनको बताओ भाई ये मेरे साथ ये हुआ है, ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि फ़ोन को मोबाइल से अगर सेल्फी के लिए यूज मत करो, उसको कभी भी कभी सबूत के लिए यूज़ करो, अगर आपके साथ कालाबाजारी उसका वीडियो बनाओ ऊपर वाली जेब में रख के बना सकते हो, कहीं पर सामने रख सकते हो, अगर आपके पास प्रूफ होगा तो हमारी जनता की आवाज़ एक्शन लगी और जो संबंधित अधिकारी है जो प्रशासन है वो एक्शन लेगा, और मैं कोशिश करूँगा एसडीएम साहब से भी इससे अवगत करूँगा अगर आप मेरे सामने ऐसा कोई केस लेके आते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।